को थोड़ा सा आप लोग बढ़ावा दीजिए। खास करके बोला गया था कि बच्चे जो भी आते हैं, कुछ ही बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं अपने यहाँ, हमको लगता है 30% बच्चे होंगे क्या? 20% या 1/4 कहीं 25% तक बच्चे सीबीएसई से आते हैं, और लगभग 75% बच्चे जो है बिहार बोर्ड से आते हैं। तो सेक्रेटरी सर का स्पेशली कहना था कि माध्यम कोई बाधा नहीं हो समझने में। इंजीनियरिंग का चीज हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, मिक्स पढ़ते हुए आए हैं हम लोग अक्सर 10th 12th में। उसी समय कहा गया कि ये जो है हम लोग फर्स्ट ईयर में कम से कम किताब को हिंदी मीडियम में उसको कन्वर्सन किया जाए, और हम लोग लाइव इंटरव्यू उसका स्पेसिमेन दिया गया था ताकि बच्चों को आगे बढ़ने में ये मीडियम बाधा नहीं उत्पन्न करे। बच्चे समझ रहे हैं, हिंदी में हर चीज समझ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में समझने में थोड़ी परेशानी होगी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अपना वो मेहनत करेंगे, तो इसलिए हिंदी का तो महत्व कहीं ना कहीं है। हमारे बिहार में कहा जाए बहुत अच्छे अच्छे कवि भी लेखक भी हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, इस तरह के बहुत लोग हैं। कुछ न कुछ हिंदी में कविता लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, जिसका कि आज भी स्कूल में उसका पाठ्यक्रम में शामिल है। इसलिए हिंदी दिवस पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इसको अच्छे से मनाएं हम लोग, ताकि आगे भी पता चले कि वहाँ भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सब लोग कुछ न कुछ, और बच्चे लोग कविता पाठ करेंगे, कुछ कुछ तैयारी किए हैं अपना, और उसका कार्यक्रम आगे होगा। जय की धन्यवाद। अब मैं समारोह को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षण एवं नियुक्ति विभाग के प्राध्यापक जो है, जो हमारे प्रभारी हैं, प्रोफेसर चंदन सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज। आदरणीय प्राचार्य महोदय उपस्थित, हमारे सहपाठी प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, जो हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम सब हिंदी भाषी हैं, जहाँ तक मेरा विचार है यहाँ पे, यदि मैं सही हूँ तो कोई ऐसा है जो यहाँ पे हिंदी भाषी नहीं है? नहीं है। तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे इसका प्रचार प्रसार करना है, हर साल हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम हिंदी को तवज्जो दे सकें। जो स्थान हिंदी को प्राप्त होना चाहिए वो स्थान हिंदी को प्राप्त नहीं है। आज जहाँ पे भी आप जाएंगे, जो हमारा स्कूलिंग है, जो हम विद्यालय से पढ़ के आए हैं, और आप लोग तक लगभग बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी माध्यम से 10वीं तक पढ़े हैं, हम सब भी पढ़े हैं, और उसके बाद से हम लोगों ने जैसे ही आगे के लिए प्लस टू के लिए या इंटरमीडिएट के लिए आगे पढ़ने के लिए आगे गए, तो वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम आया, और विचार ये थे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, अंग्रेजी में ही कैरियर है। तो ये एक हमारा माइंडसेट है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है, और जिसे हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो हमारे रहे हैं, या हमारे सीनियर हो, या जो बड़े विभागों में हैं, या हमारा सोसाइटी हो, समाज हो, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हम उस प्रवेश में, उसी धारा में हम बहते चले गए,
और आज की स्थिति ये, तो आपको 10 आदमी आके बोलेगा क्या कर रहा है, बच्चे का भविष्य बिगाड़।